फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अपना स्वाद दिल से में आप सबका स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी अंडा करी। सबसे पहले हम गैस को ऑन करेंगे और पैन को थोड़ा गर्म करेंगे। अब इसमें डालेंगे हम ऑयल। हमें अंडों को फ्राई करना है तो थोड़ा ज़्यादा सा एक्स्ट्रा ऑयल लगेगा फ्राई करने के लिए। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, अब हमें अंडे को फ्राई करना है। इसमें मैंने फॉग मार लिया है थोड़ा थोड़ा, और हल्दी थोड़ी थोड़ी लगा ली है। अब इसको फ्राई कर लेंगे। मैंने 5 अंडे की करी बनाई है। आप अंडे कम ज़्यादा कर सकते हैं और उसी हिसाब से आप एग हमारे फ्राई हो गए हैं अच्छे से। देखिए काफ़ी अच्छा कलर आ गया है, डार्क सा। अब इसे हम बाहर निकाल लेंगे। ऑयल में थोड़ा सा कम कर लिया है। आप अगर ज़्यादा ऑयल डालना चाहें तो उसको रहने दें। अब हम डालेंगे कुछ खड़े मसाले, 2-3 तेज पत्ता, थोड़ी सी काली मिर्च, 2 लौंग और 2 इलायची छोटी, और थोड़ा सा जावित्री, थोड़ी सी दालचीनी। इसको डाल देंगे। अब इसमें हम डालेंगे 2 बड़ा बड़ा प्याज और 1 बड़ा सा लहसुन का पेस्ट। प्याज भी हम डाल देंगे, थोड़ा सा नमक। नमक आप डालें टेस्ट के अनुसार। अब इसको हमें लाइट ब्राउन तक भूनना है प्याज को। जब तक हमारी प्याज भून रही है, तब तक हम 2 बड़ा बड़ा रेड टमाटर, 2 इंच अदरक और 4-5 हरी मिर्च, इसका हम एक प्यूरी बना लेंगे पीस के। ये देखिए प्याज हो गई है हमारी कंप्लीट। अब हम डाल देंगे मटर। ये डाल दी हमने इसमें मटर। अब इसको थोड़ी देर के लिए हम ढक देंगे। मटर को पकने के लिए ढकना पड़ेगा। अब मटर को देख ले हम। देखिए मटर हमारी अच्छे से पक गई है। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर वाली प्यूरी, जो मैंने टमाटर, लहसुन और मिर्ची की बनाई थी, वो इसमें डाल देंगे। अब इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले। मसाले हमने डालना है इसमें। हम डालेंगे थोड़ा सा चिकन मसाला, ये ऑप्शनल है। इस जगह आप गरम मसाला भी डाल सकते हैं। हम डालेंगे पिसी हुई धनिया 1 चम्मच से 1.5 चम्मच, थोड़ी सी हल्दी 1/2 चम्मच। अब इसमें थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स डाल देंगे। अब इसको हम अच्छे से मसाले के साथ, टमाटर के साथ से भून लेंगे। भूनने लगा है, लगभग भूंज गया है। इसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल देंगे। अब इसको फिर से एक बार बंद करेंगे 5-7 मिनट के लिए। अब हम देख लेंगे। देखिए मसाला बिल्कुल भुन गया है अच्छे से और ऑयल भी रिलीज हो गया है। अब इसमें डालेंगे हम पानी। ग्रेवी आपको जैसी भी रखना हो उस हिसाब से पानी डालें इसमें। ये देखिए, अब इसे इसमें उबाल आने दें। इसको थोड़ा देर और ढक देंगे, जल्दी उबाल आ जाएगा। गैस को फुल फ्लेम पे कर दें। अब हम देखेंगे एक बार सब्जी को। ये देखिए करीबन 10-15 मिनट के बाद थोड़ी ग्रेवी भी थिक हो गई है। आप चाहें तो, अगर आप थोड़ी सी ग्रेवी लाइटर करना चाहते हैं तो थोड़ा सा उबाल के पानी डाल दें अभी, तो ये ठीक हो जाएगी। इसमें हम डाल देंगे अंडे जो हमने फ्राई करके रखे हुए थे। और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया।
अंडा करी इट्स रेडी। इसको ढाँक देंगे अब। लीजिए रेडी हो गई हमारी अंडा करी। और प्लीज़ आपको मेरे वीडियोस अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको सारे नए वीडियोस मिलते रहें।